एप्लीकेबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर सम टू नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 195 सबसेक्शन 1। नाउ अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ जनरल प्रोविजन थे, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन थे टीडीएस डिडक्ट करने के। अगर कोई पेमेंट है जो आप नॉन रेजिडेंट को करते हैं, जो किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन में कवर्ड नहीं है, उसका टीडीएस का डिडक्शन का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 195 है। यहाँ स्पेसिफिकली इंटरेस्ट के बारे में भी मेंशन है, बट लाइक आई सेड कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स हैं जिन पे टीडीएस डिडक्शन 194 के काफ़ी सारे सेक्शंस में हमने देखा, लेकिन उनके अलावा अगर कोई भी ऐसी पेमेंट है जो स्पेसिफिक नहीं है और जिसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, जो आप नॉन रेजिडेंट को करते हैं, उसका डिडक्शन जो है टैक्स का वो सेक्शन 195 में होता है। लेट अस सी व्हाट सेक्शन 195 सेज। एनी पर्सन, नाउ सिंस द वर्ड यूज्ड हियर इज एनी पर्सन, इट विल इम्प्लाई दैट इट कवर्स बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग मतलब जो पेयर है ही कैन बी अ रेजिडेंट और ही कैन बी अ नॉन रेजिडेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट, अब अगर ये पेयर जो है इसने इंटरेस्ट पे करना है अदर देन इंटरेस्ट रेफर टू इन सेक्शन 194 LB, 194 LC, 194 LD, मतलब इंटरेस्ट है लेकिन इन स्पेसिफिक सेक्शन में कवर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज कवर्ड अंडर दी सेक्शन देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 विल नॉट अप्लाई। बट अगर कोई इंटरेस्ट ऐसा है जो इन सेक्शंस में कवर्ड नहीं है या उसका नेचर इन सेक्शंस में कवर्ड है बट वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता, देन दैट इंटरेस्ट और एनी अदर सम अदर देन सैलरीज, अगर पेयर ने इंटरेस्ट पे करना है या कोई भी और सम पे करना है एक्सक्लूडिंग सैलरीज, मतलब अगर सैलरीज है तो वो सेक्शन 192 में होगा, अगर कोई इंटरेस्ट है जो इन सेक्शन में कवर्ड है वो वहाँ पर होगा, बट उसके अलावा कोई भी अमाउंट अगर नॉन रेजिडेंट को पे होता है, कौन सा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब अगर कोई अमाउंट एग्जेम्प्ट है उसके ऊपर टीडीएस सेक्शन 195 में नहीं लगेगा, बट अगर ये अमाउंट टैक्स के चार्जेबिलिटी में कवर्ड है देन इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गेट कवर्ड हियर। टू अ नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट। अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर पेयर किसी भी को पे करता है, सो देर इज अ पेयर, वन इज दैट द नेचर ऑफ पेमेंट शुड बी कवर्ड विद इन वन और टू। इफ द नेचर ऑफ द पेमेंट इज कवर्ड देन द रेसिपियंट शुड बी अ नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी। थर्ड, इट शुड बी टैक्सेबल। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन द पेयर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स। बट क्वेश्चन ये आता है बाकी सेक्शंस में तो टैक्स का रेट दिया हुआ था, अब आपने सारी पेमेंट्स यहाँ कवर कर दी तो इसमें टैक्स रेट क्या लगेगा। द टैक्स रेट विल बी एट द रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट, मतलब जिस भी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कवर्ड है, लेट्स से 2016-17 में थी, इस 2016-17 में फाइनेंस एक्ट ने बताया होगा कि किस तरह की पेमेंट पे कितना अमाउंट टैक्स का लगेगा। अगर उसमें बताया गया कि ये बिजनेस इनकम है इस पे 40% लगेगा या फिर 20% लगेगा, वो सेम रेट जो है आप इसको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अप्लाई करेंगे। सच पर्सन पेएबल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सच सम टू द नॉन रेजिडेंट शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पेमेंट इन 15 CA CB। अगर ये नॉन रेजिडेंट इस तरह की कोई भी पेमेंट करता है तो आज के डेट में मैंडेटरी है कि इनको एक CA से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और एक डिक्लेरेशन खुद भी देनी पड़ती है रिगार्डिंग हाउ दे हैव एसर्टेंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सच पेमेंट।
For that, they need to also provide a Form 15CA and 15CB to the bank at the time of remittance. We will discuss this later. Now, the point is, when is the tax to be deducted? The tax is to be deducted at source at the time of credit of such income to the account of the payee, or at the time of the payment thereof, whichever is earlier. जैसा पहले आपको बताया गया था, बाकी सारे सेक्शन में सेम अप्लाई यहाँ पर भी करता है. टैक्स आपको कब काटना है? जब क्रेडिट हो या पेमेंट हो, whichever is earlier. Where any interest or other sum as aforesaid is credited to any account, whether called interest payable account or suspense account or by any other name in the books of accounts of the payer, such crediting shall be deemed to be credit of such income to the account of the payee. ये भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर वर्थ कंसिडरिंग इज दैट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट पेमेंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 195, इंटरेस्ट पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट शुड बी चार्जेबल टू टैक्स. अगर इंटरेस्ट जो है एग्जेम्प्ट है नॉन रेजिडेंट के हाथ में, तब सेक्शन 195 के प्रोविजंस नहीं लगेंगे. नो विदहोल्डिंग टैक्स लाइबिलिटी वुड अराइज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट व्हेन सच इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट ईदर अंडर द आईटी एक्ट और द DTAA. द रूल विच अप्लाइज हेयर इज अगेन द मोस्ट कॉमन रूल कि एक टैक्स पेयर को ऑप्शन होता है वो एक्ट में गवर्न हो जाए या ट्रीटी में गवर्न हो जाए. अगर दोनों में से ही किसी में एग्जेम्प्ट है कोई इनकम, तो ऑब्वियसली वो इनकम के उसी में ऑफर करेगा. नाउ इफ अगर टैक्सेबल ही नहीं है, TDS का पर्पस क्या होता है? TDS का पर्पस ये होता है कि हमारे को जो जितना भी टैक्स रिकवर करना था इंडियन गवर्नमेंट को, वो जो पे कर रहा है उतना रिकवर कर ले. अगर टैक्स पे ही नहीं करना, तो फिर देन ऑब्वियसली देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS. अदर पेमेंट्स सिमिलरली, फॉर एनी अदर पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट विद होल्डिंग टैक्स लाइबिलिटी वुड नॉट अराइज व्हेन सच पेमेंट इज एग्जेम्प्ट ईदर अंडर द आईटी एक्ट और द DTAA. I think this is only a corollary to what we spoke. Agar exempt hai, to obviously apply nahin karega. How about salary? Humne upar dekha tha ki provision mein likha tha any other sum other than salary. To salary ka deduction kaise hoga? For salary payment to non-resident, the provision of section 195 would not be attracted. In such case, withholding tax would be made as per the provisions of section 192. इसका कारण यह है कि जहाँ तक बात इंडिविजुअल की है, वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के ऊपर 30% का टैक्स रेट लगता है. सेक्शन 192 में टैक्सेशन ऑफ सैलरीज ऑफ रेजिडेंट कवर्ड ही था, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर जाती है. द ओनली थिंग यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ व्हेन कैलकुलेटिंग द टैक्सेस इज व्हाट आर द रेट ऑफ सरचार्ज एंड सेस विच आर एप्लीकेबल टू अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट. अगर ये दोनों में फ़र्क है, तो जब आप टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे सैलरी पे, वो डिफरेंट हो सकता है. स्टेटस ऑफ द पेई, ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया कि पेई कौन होना चाहिए, इट शुड बी इधर अ नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी. स्टेटस ऑफ द पेयर, द विदहोल्डिंग टैक्स ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 195(1) वुड बी एप्लीकेबल ऑन बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. जो पे कर रहा है वो चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों ही केसेस में उसकी लायबिलिटी जो है टैक्स विदहोल्ड करने की होगी. इफ़ द पेमेंट बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट पेई व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, देन द टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड इवन बाय द नॉन रेजिडेंट पेयर. अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को पे कर रहा है कोई इनकम, और इस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स पे करना है, even if this transaction is happening outside India, tax has to be deducted on this. Let's look at some of the examples to clarify this. Indian bank is crediting interest on NRE account to a non-resident individual. Whether Indian bank is liable to withhold tax under section 195. NRE account mein jo interest hota hai, वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 क्लॉज 2. अगर इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है
then there is no liability to withhold tax, because the interest which is paid to the non-resident should be chargeable to tax. If we look at the solution, withholding tax obligation would arise under Section 195 only when interest income is chargeable to tax. In this case, the interest paid by the Indian bank on money credited in NRE account of non-resident individual would be exempt from tax under Section 10 for Roman II. Thus, such interest income is not chargeable to income tax, and accordingly, there will be no withholding tax would arise on the such payments. Let's look at another example. Yama India Private Limited pays royalty of 1 lakh to Bicro Lofting. Indian company hai, isne royalty pay kari ek US resident ko. Such royalty payment is taxable under Section 916. Act mein ye income taxable hai. However, it is excluded from the definition of royalty under India-US DTAA. Yani DTAA mein ye income taxable nahi hai. Whether Yama India Private Limited is liable to withhold tax on such payments. Jaisa maine aapse kaha, a non-resident can opt for the provision of the Act or DTAA, whichever are more beneficial. Agar treaty mein income exempt hai, to non-resident treaty ke provision opt karega, which means non-resident ke haath mein ye income exempt hogi. Agar ye income exempt hai non-resident ke haath mein, to obviously TDS ki liability nahi hogi, because TDS liability under Section 195 arise only when the income is chargeable to tax in the hands of the non-resident. Let's look at another example. X India Private Limited pays royalty of Rs. 1 lakh to Y India Private Limited, another Indian company. Whether it is liable to withhold tax at source under Section 195. Section 195 mein TDS ki liability kab hoti hai? जब पेई जो है वो नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट होता है या फॉरेन कंपनी होती है. पेयर जो है ही कुड बी अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट. इन दिस केस पेयर वाली जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइड है, वो एक रेजिडेंट है. बट जो पेई है ही इज नीदर ए नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट नॉर अ फॉरेन कंपनी, वो एक रेजिडेंट है. अगर वो रेजिडेंट है तब सेक्शन 195 नहीं लगेगा. हाँ, इस पेमेंट पे 194 जे के प्रोविजंस लग सकते हैं जो कि आपको इवैल्यूएट करने पड़ेंगे. सेक्शन 195 वुड बी अट्रैक्टेड ओनली व्हेन पेमेंट इज मेड ईदर टू अ फॉरेन कंपनी और अ नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट. इन दिस केस सेक्शन 195 वुड नॉट बी अट्रैक्टेड एज द पेई इज अ रेजिडेंट. हाउएवर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 जे मे बी अट्रैक्टेड. Another example, Zata USA pays royalty of 1 lakh to Ahu Inc. एक ये non-resident company है जो USA की है और इसने एक दूसरी company जो है USA की उसको royalty pay करी है, which is for services pertaining to its Indian operation. Zata के Indian operation है, right? इसने इन operation से related ये royalty pay करी है. Whether it is liable to withhold tax under Section 195. Now, in case of a non-resident, a royalty will be deemed to accrue or rise in India if it is relating to the business carried out in India, which means ki ye royalty Section 916 mein India mein deemed to accrue or arise ho jayegi in the hands of Ahu Inc. Agar ye India mein taxable hai, then when the payment is made, whether by a resident or a non-resident, he is under an obligation to withhold taxes. In this case, Zata would be liable to withhold tax under Section 195 if the payment is taxable both under the IT Act and the treaty. Act mein to taxable ho gayi. Agar ye treaty mein taxable hai, to is pe withholding hogi. Agar treaty mein exempt hai, to jo humne example 2 mein discuss kiya tha, wo applicable ho jayega. Fifth example. Kayo Inc. USA has a wholly owned subsidiary in India, ICO. ये एक US की कंपनी है, इसकी इंडिया में एक सब्सिडरी है. Kayo Inc. sold shares of ICO to Mayo Inc. Kayo ने Mayo को
इस कंपनी के शेयर्स बेच दिए। वेदर मायो इंक इज लायबल टू विदहोल्ड टैक्स अंडर सेक्शन 195 व्हेन मेकिंग पेमेंट टू कायो इंक। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है विदहोल्डिंग की, कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, दोनों के ऊपर लायबिलिटी होती है, विच मीन्स कि इवन मायो इंक में भी लायबल टू विदहोल्ड टैक्स प्रोवाइडेड ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। नाउ अगर आप सेक्शन 911 को रिकॉल करें जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया वुड बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, राइट? सो इफ द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड देन दैट मीन्स दैट इट इज द इनकम ऑफ कायो इंक इज इन डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 911। देयरफॉर मायो इंक विल बी लायबल टू विदहोल्ड टैक्सेस ऑन दिस, अज्यूमिंग ये ट्रीटी में भी इनकम टैक्सेबल है। अगर ट्रीटी में एग्जेम्पशन है तब इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दिस केस कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स वुड बी डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया एज शेयर्स वर सिचुएटेड इन इंडिया। मायो इंक इज रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड टैक्स बिफोर मेकिंग पेमेंट टू कायो इंक एज द पेमेंट रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ कायो इंक चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। दिस ऑफ कोर्स इज सब्जेक्ट टू द बेनिफिट ऑफ द ट्रीटी। Now, relevance of business connection for withholding tax. In this case, what can happen is that when a non-resident is making a payment to non-resident, right? The question is, if this non-resident does not have any connection with India, they can have a business connection, they may not have a business connection. And suppose he is making a payment to another non-resident. Sometimes these non-resident came back and said, हमारा इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारा बिजनेस कनेक्शन भी नहीं है, why should we withhold taxes? गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 195(1) ऐड की। और उन्होंने क्या कहा, एक्सप्लेनेशन टू क्लैरिफाइज दैट द ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 एंड टू मेक डिडक्शन देयर अंडर अप्लाइज and shall be deemed to have always applied and extended and shall be deemed to have always extended to all person resident or non-resident. Yani, even if non-resident can have an obligation to deduct tax under 195, whether or not, isse koi fark nahi padega, the non-resident has a residence in India. Agar aap individual ki baat karein ki to uska ghar hai ya nahi hai, place of business in India, aapka koi office hai ya nahi hai, business connection in India, और एनी अदर प्रेजेंस इन इंडिया, मतलब चाहे ये सारे के सारे आपके ना भी हो तो भी अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं जो इंडिया में चार्जेबल है टैक्स की, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा।